हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मेरे कॉलेज जीएमसी सूर्यापैट के गर्ल्स हॉस्टल का टूर करवाऊंगी। मैं आपको मेरे हॉस्टल्स का मैस, सिंगल रूम्स, शेयरिंग रूम्स, फिर वॉशरूम्स और टेरेस व्यू कैसे है मेरे हॉस्टल की, वो सब दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, लेट्स गो। ये एंट्री है और ये हॉस्टल के आउटर एरिया में ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है। अभी न्यू हॉस्टल है तो ग्रीनरी को थोड़ा मेंटेन किया गया है। तो बिना देर के अब चलते हैं हॉस्टल के अंदर। तो सबसे पहले अंदर जाते हैं, फिर और बातें बाद में करते हैं। तो ये हम हॉस्टल के अंदर आ गए हैं और ये हमारा जो है विजिटर्स रूम है। जो भी मम्मी पापा आते हैं वो यहाँ रहते हैं। और ये हमारी वार्डन मैम का रूम है और ये सारा जो भी है हमारे हॉस्टल का सारा स्ट्रक्चर यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। डाइनिंग हॉल वगैरह, रिक्रिएशन हॉल, इंडोर गेम्स रूम्स, सिंगल रूम और जो कंबाइंड रूम्स हैं, क्योंकि जो सिंगल रूम्स हैं वो इंटर्न्स के लिए और जूनियर रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट के लिए हैं, और कंबाइंड रूम सभी एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो ये सामने स्टडी हॉल है जहाँ अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और ये जो व्यू है वो आपको ग्राउंड फ्लोर की व्यू है। और ये लिफ्ट है, हमारे हॉस्टल में 6 फ्लोर्स है तो लिफ्ट तो हर हॉस्टल में होती है और ज़रूरी भी है। 6 फ्लोर तक कौन ही ऊपर जाएगा, ऊपर चलने की हिम्मत ही नहीं होती है। और अगर आप कॉलेज से आ रहे हो तो फिर तो जा ही नहीं सकते ऊपर बिना लिफ्ट के। तो और फिर मैं आपको अपना मैस दिखाती हूँ। ये मतलब हमारा वॉशिंग एरिया है, प्लेट्स वगैरह धोने वाला, मतलब बर्तन यूटेंसिल का वॉशिंग एरिया ये है। ये हमारा डाइनिंग हॉल है तो मैस में है। और चेयर्स थोड़ी कम है मैस में एज़ कम्पेयर टू जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जैसे कोई किसी टाइम खाता है, कोई किस टाइम खाता है तो सफिशेंट हो जाती है। और फिर यहाँ पे करीब 10 से 12 टेबल है और हर टेबल पे 10 चेयर्स हैं तो काम चल जाता है। और ये वाटर कूलर है तो पानी भी ठंडा मिल ही जाता है, और ज़रूरी भी है ठंडा पानी क्योंकि गर्मी बहुत ही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये हमारी मैस की मतलब जहाँ खाना बनता है सामने, वो खाना बनाते हैं उधर और फिर वहाँ से यहाँ खाना रखते हैं और हम यहाँ से अपना खाना खुद सर्व कर लेते हैं। तो ये सब अंदर खाना बन रहा है, अभी आंटी लोग बना रहे हैं। और इसमें ये 2 कैंस हैं जिसमें हमें टी और कॉफ़ी के कैंस हैं, टी और कॉफ़ी यहाँ से हम पीते हैं। तो ये था हमारा मैस का टूर। सही है, स्पेशियस मैस है हमारा, मतलब विंडो वगैरह भी है तो वेंटिलेशन भी हो जाती है। और वॉशिंग एरिया भी 2 है, एक तो मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ भी धो सकते हैं, और दूसरा ये वाला भी है, हैंड वॉश एरिया बोल लो या वॉशिंग एरिया बोल लो, दूसरा यहाँ भी है। तो इधर वाले जो बच्चे हैं इस साइड वाले रो वाले वो इधर धो लेते हैं, दूसरी साइड वाले बिल्डिंग साइड वाले वो दूसरी साइड धो लेते हैं। ये इधर से भी एक एंट्री है और उधर से भी एक एंट्री है। तो अगर हम यहाँ से जाके लेफ्ट में लेते हैं तो जो वो सेकेंड एंट्री मैंने दिखाई थी वो वाली एंट्री है, वो वहाँ से एंट्री भी ले सकते हैं। ये हमारा एक ओपन एरिया है जिसके मतलब चारों तरफ गर्ल्स ने रोप्स लगा रखे हैं, तो यहाँ पे अपने कपड़े भी सुखा सकते हैं। यहाँ धूप भी अच्छी आती है तो सर्दी के अगर टाइम में भी धूप मिल जाती है। और फिर यहाँ पे हम लोग खेल भी सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेलते भी हैं शाम के टाइम पे। तो ओपन एरिया की तरफ अब मैं आपको अपने रूम्स दिखाती हूँ। पहले जो सिंगल रूम्स हैं वो दिखा दूँगी और फिर आपको शेयरिंग वाले रूम दिखाती हूँ। तो ये वाले हमारे सिंगल रूम्स हैं और ये जो इंटर्न्स हैं या फोर्थ ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स उनको भी दे देंगे, अभी देखो देंगे या नहीं देंगे। तो ये जो सिंगल रूम्स हैं इसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहेगा और उसकी ये अलमीरा है। तो 2 कबर्ड हैं, इसमें 2-2 3-3 बॉक्सेस हैं। नीचे भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ये ऊपर है ऐसे ही नीचे हैं ये, इसमें बस नीचे 2 कंपार्टमेंट है, ऊपर 3 कंपार्टमेंट है। तो ये इधर विंडो है, एक विंडो है इस रूम में लाइटिंग वगैरह के लिए, एयर वगैरह के लिए। और सिंगल रूम्स का सबसे बड़ा फायदा है वॉशरूम, यहाँ अटैच ये वॉशरूम है तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ही सेव हो जाएगा। तो अब मैं आपको 3 शेयरिंग रूम वाला
जो हमारे रूम्स है शेयरिंग वाले, वो दिखाती हूँ। इसमें तीन मेंबर्स रहते हैं एक रूम के अंदर। तो ये है, इसमें बहुत ही स्पेशियस सही रूम है तीन के हिसाब से। ये तीन बेड हैं जो कि कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। मैट्रेस वगैरह भी कॉलेज की साइड से ही है। और ये गर्मी की वजह से कूलर्स जो हैं वो अपने खुद ही हम लेके आए हैं। तो हर एक पर्सन के दो कबर्ड्स हैं, मतलब ऊपर और नीचे। और इनमें कंपार्टमेंट्स वही है जैसे सिंगल रूम वाले में था, ऊपर की साइड इसमें तीन कंपार्टमेंट है और जो नीचे वाला है उसमें दो कंपार्टमेंट है। तो सामान वगैरह आराम से अपना रख सकते हैं, स्पेशियस है, तो अच्छे से काम घर पे भी जाते हैं तो सारा सामान इसके अंदर आराम से रखे जा सकते हैं। तो ये थ्री रूम्स। अब मैं आपको अपने वॉशरूम्स दिखाती हूँ। तो चलिए वॉशरूम्स देखते हैं। वॉशरूम्स ये है कि आंटी वगैरह क्लीन करती है तो क्लीन रह भी जाते हैं और कई बार उन छुट्टी कर लेते हैं तो क्लीन नहीं होता है। ये मतलब क्लॉथ वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर हम अपने कपड़े धो सकते हैं। और ये ब्रशिंग एरिया है, यहाँ ये ब्रश करना है, फेस वॉश वगैरह यहाँ कर लेते हैं। और ये चार वॉश बेसिन से यहाँ भी फेस वॉश कर सकते हैं। तो ये बाथरूम्स हैं, सिक्स बाथरूम्स हैं। तो एक फ्लोर पे डाउन साइड हम मतलब 12 रूम्स हैं तो 6 वॉशरूम्स बहुत हो जाते हैं, मतलब काम चल जाते हैं। और इधर ये वाले वॉशरूम भी 6 वॉशरूम्स हैं जो कि सभी में वेस्टर्न सीट्स की लगी हुई हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं है वेस्टर्न सीट्स हॉस्टल में, लेकिन अब जो है वो है। तो ये थे हमारे वॉशरूम्स। अब मैं आपको हॉस्टल की टेरेस पर लेके चलती हूँ और वहाँ से आपको टेरेस व्यू दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारे हॉस्टल की टेरेस और ये यहाँ पे मतलब टैंक्स वगैरह हैं, सीमेंट के टैंक्स हैं जिनमें पानी स्टोर करते हैं। और इधर से आपको दिखाती हूँ सूर्य पैट कैसे लगते हैं। ये है बहुत ही मतलब अच्छी ग्रीनरी वगैरह है। और ये इधर हमारा कॉलेज है और ये बॉयज हॉस्टल है और ये वाइट कलर वाला हमारा कॉलेज है। ये कॉलेज की साइड भी है, ऊपर से कॉलेज की फ्रंट व्यू भी दिखाती हूँ। पहले आप ये देखिए सूर्य पैट, ग्रीनरी बहुत ही है और ये पूरा अच्छे से हमें सिटी का पूरा भी टेरेस से मिल जाता है, ऑलमोस्ट पूरा सिटी हम इधर का जो भी सारा देख सकते हैं दूसरा काम। और ये हमारे कॉलेज की फ्रंट व्यू है, तो सामने ग्रीन गार्डन वगैरह और ग्रीनरी पूरे से हमें अच्छी ग्रीनरी है। ये दूसरी साइड है सिटी की, आप ये देखिए ये हमारी कॉलेज की फ्रंट व्यू। और पीछे बॉयज हॉस्टल है और जो गर्ल्स हॉस्टल है वो कॉलेज के साइड में, बिसाइड कॉलेज जो है गर्ल्स हॉस्टल है और कॉलेज की बैक साइड में बॉयज हॉस्टल है। तो ऊपर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कॉलेज। अगर आप कॉलेज देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, कॉलेज व्यू पर भी वीडियो बना दूंगी मैं। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मेडिको एंड लूट डील्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।